वो मेरे लिए छोटी छोटी चीजें भी करते हैं, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जाती हैं, तो मैं उसको किसी चीज में बांधना नहीं चाहता कि ये स्पेशल गिफ्ट था। वो मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल अपने आप को, वैसे मैं कुछ ना कुछ लेता रहा, तो इस बार मैंने अपने लिए एप्पल वॉच ली है। देखो अपन इंडिया में तो शक्तिमान जी के साथ ही कर लेते हैं, यहाँ के जो प्रोडक्शन के लोग हैं ना वो इतने प्यारे मिले मुझे, आज तक मैंने एक्चुअली कोई कर ही नहीं पाया। मैं सो गया था 12 बजे, सुबह उठ के मैंने मैसेज देखे मेरे दोस्तों के, मेरे फैमिली के, तो एक एक करके मैंने सबको रिवर्ट किया। मैं एक्चुअली बहुत दिनों से कंटिन्यू शूटिंग कर रहा था, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, और मैंने पहले बोल दिया था मेरे बर्थडे वाले दिन ना मुझे छुट्टी दे देना, तो मैंने कल छुट्टी ली और मैं लोनावाला गया, और मैंने वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, बिल्कुल शांति थी, और वहाँ जाके मैं रहा दोस्तों के साथ, और वहाँ से डायरेक्टली मैं यहाँ शूटिंग पे आ गया। इस साल मैंने, वैसे तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी स्वस्थ रहूँ, ये मैं चाहता हूँ, बट वैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल अपने आप को, वैसे मैं कुछ ना कुछ लेता रहा, तो इस बार मैंने अपने लिए एप्पल वॉच ली है, तो वो अपने ये नहीं है एक्चुअली, तो शूटिंग की वॉच है, अपने लिए वॉच ली है। देखो अपन इंडिया में तो शक्तिमान जी के साथ ही कर लेते हैं, फिर वो हम वो कुछ अच्छा भी बोल देंगे, मुकेश खन्ना जी आजकल बहुत बोलते हैं ना, अच्छा अच्छा बोलते हैं। यहाँ मैं ये है मेरे पास आंसर, यहाँ के जो प्रोडक्शन के लोग हैं ना वो इतने प्यारे मिले मुझे, आज तक मैंने जब से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, मतलब वो घर जैसा फील, मेरा घर जाने का मन नहीं करता। जो HOP है निखिल जी यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बड़ा मन करता है। उन्होंने स्पेशल एक्चुअली मेरी आज भी छुट्टी थी, उन्होंने बोला तू एक सीन के लिए आ जा, तू सीन का तेरा केक काटना है भाई, हमको तेरा केक काटना, तो इतने प्यारे लोग हैं ना, तो मेरा आने का भी मन करता। तो ये लोग मुझे, ऐसे लोग मुझे आज तक नहीं मिले थे जो अब मिले। मैं चाहता हूँ कि सुबह उठते ही भगवान का नाम लूँ, और बर्थडे वाले दिन मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि चाहे वैसे लो या ना लो, जब बर्थडे वाले दिन आप थैंक यू ज़रूर बोलो ऊपर वाले को कि आपको इतनी लाइफ दी है और अच्छे से आप लाइफ जी पाए हो, तो उसके लिए मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, और अच्छी चीज़ मेरे घर वालों ने मुझे सिखाई है। एक्चुअली कोई कर ही नहीं पाया, मैं सो गया था 12 बजे, सुबह उठ के मैंने मैसेज देखे मेरे दोस्तों के, मेरे फैमिली के, तो एक एक करके मैंने सबको रिवर्ट किया। स्पेशल गिफ्ट तो देखो, स्पेशल गिफ्ट होता है कि किस किस फीलिंग्स के साथ मिला है आपको। तो मेरे लिए मेरे लोग जो हैं, कुछ खास लोग हैं, वो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जाती हैं, तो मैं उसको किसी चीज़ में बांधना नहीं चाहता कि ये स्पेशल गिफ्ट था। वो मेरे फ्रेंड हैं, मेरी फैमिली है, वो मेरे यूनिट के लोग हैं, वो किस फीलिंग से मुझे देते हैं, वो एक हक भी हो गया, वो फील मुझे समझ में आ जाता है, तो वो मेरे लिए स्पेशल होता है। मैं जाना चाहूँगा मेरी दादी के साथ, क्योंकि उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, मेरे सीन्स बड़े अच्छे आते हैं, और मुझे ना, मुझे हमेशा से ऐसा रहा है कि जो मेरी दादी या दादा की एज के जो लोग हैं ना, मेरी उनसे बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग बनती है। मैं जहाँ पहले रहता था वहाँ पे एक अंकल थे, उनके साथ मेरी इतनी स्ट्रांग दोस्ती थी, वो मेरा वेट करते थे नीचे वॉक के लिए, जिस दिन नहीं जाता था वो पूछते थे आज आया क्यों नहीं, पता करो वो ठीक है कि नहीं है। तो मेरी बॉन्डिंग ना बड़ी स्ट्रांग होती है मेरे से बड़े लोगों के साथ, तो यहाँ मेरी दादी के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अगर देखो पॉजिटिव और खुश आप हमेशा रह सकते हैं जब आप होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव हो उस टाइम जब आप खुश होंगे ना, तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी अच्छे के लिए। ये मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि जब खुशी का टाइम होता है तो सारे खुश होते हैं, जब नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, तब अपने आप को खुश रख लोगे ना, तो सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी, इसलिए खुश रहना सीखो। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.